स्कूल बस ड्राइवर, स्कूल बस ड्राइवर थे और अब तो नहीं चलाते ना जी? नहीं सर। तो आप बच्चों को पिक करते थे जी सुबह और शाम को, जो उनको दोपहर में ड्रॉप करते थे जी? हिंदी आती है, आप हिंदी बोलेंगे? चलिए क्या बात है, तो आप ट्रांसलेशन अच्छा तेल में, पर हिंदी में बोलिए ताकि जल्दी हो जाए समय, आपको पता है टाइम अप हो गया है अपना, आप तो समय अपने पास ज्यादा नहीं, आप हिंदी में बोलिए समरी, उसको तेलुगु में कर देंगे। अकरम भाई क्या बैकग्राउंड रहा आपका लाइफ में, थोड़ा सा बताइए कहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई और स्कूल बस ड्राइवर कैसे बन गए? जी सर, मैं SSC खत्म करने के बाद जो सो घर के बाहर नहीं निकला था, एग्रीकल्चर चलता था हमारे पास। SSC मतलब सीनियर सेकेंडरी? नहीं नहीं, SSC 10th क्लास खत्म होने के बाद एग्रीकल्चर घर पे था, तो वालिद साहब के साथ में 4 साल एग्रीकल्चर में भी था। उसके बाद जो सो हमारे वालदा का ड्रीम था कि बच्चा फार्मर बनना नहीं चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मेरे 6 भाई हैं, हम लोग सब अच्छे सेटल है। मैं एक जो सो एग्रीकल्चर में क्यों बोल के, उन्होंने क्या करे आप पढ़ो या नहीं कुछ भी जॉब करो बोले, तो मैं वहाँ से क्या करा ITI करके जो सो कार मैकेनिक के लिए घर से निकला। उसके बाद 6 महीने वेल्डिंग का काम करा, वेल्डिंग जो होती ना वो काम करा। उसके बाद कब की बात होगी लगभग अगर भाई, कब की बात, कौन से साल की बात है ये? लगभग अपनी 2007-08 की बात है, 2007-08 की बात थी। तो वहाँ से जो सो घर से निकला, निकल के जो सो वेल्डिंग में मेरे को आंखा सपोर्ट नहीं करे, मेरे को आंखा दर्द होते थे। तो वहाँ से क्या करे, हमारे एक भाई ड्राइवर थे, ड्राइवर थे, तो मैं सोचा 2 महीने में बस चलाना सीख गया मैं, जस्ट 2 मंथ्स में बस ड्राइवर, 2 मंथ्स में। वहाँ से जाकर जो सो काम करते करते मेरी सैलरी फर्स्ट मंथ की 7000 की सैलरी लेते, मैं काम करते करते वहाँ से आते आते जो सो 14,500-15,000 रुपये आ गया, तो दशहरा आ गया तो पूरे ड्राइवर्स को लाइन में खड़ा करके मीटिंग लगाते थे, बच्चों के पास से कंप्लेन नहीं आना और जो सो सर्विस अच्छी होना है, कुछ डैमेज नहीं होना है, एक्सीडेंट नहीं होना है, ओनर आके समझाते थे, साल नहीं पड़ता बात। तो पूरे हम 15 आदमी ड्राइवर थे एक ओनर के, तो वो लोग बोले सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ बोले, तो उन्होंने बोले नहीं हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, हमारे को नहीं आ रहा, हम नहीं बढ़ाते, आपको करना ही करो वरना चले जाओ, तो ऑप्शन नहीं था। तो मैं बोला खामोश बढ़ जाओ, सबके बराबर अपन भी खामोश बढ़ गए। काम करने के बाद जो है सो दशहरे के बाद जो है सो मिठाई लेके आते कॉलेज में, कॉलेज की बस चलाता था तो मिठाई लेके आके फॉर्च्यूनर में आ गया, फर्स्ट जो है सो पुरानी क्वालिस थी। उसके बाद जो फॉर्च्यूनर में आ गए, तो मैं बोला हमको सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपको फॉर्च्यूनर लेके आ गए, तो मैं सोचा यार कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम मेहनत हमारी फ़ायदा उनका हो रहा, बोल के मैं सोचा कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ करना है बोल के। मैं घर में तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन काम करते करते वहाँ से जो सो कॉलेज को टिफिन बन के लेके जाते थे, खा के और सो जाते थे, 3 बजे उठ के फिर बस लेके आते थे तेलुगु में, फिर बोलो पूरे बोलो ओके। तो जाके जो सो फोन में देखते थे, फोन में देखने के टाइम पे यूट्यूब में हमारे ग्रेट अपलाइन का एक वीडियो आ गया, वहाँ पर महीने को 10 से लेके 1 लाख कमाने का बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है बोल के आ गया मिस्टर अशोक सर का। आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कभी सुना नहीं? मेरे को कभी टच भी नहीं है, पता भी नहीं, पता नहीं। कौन से साल की बात है ये? 2018 में आपके पास ये मैसेज आया। बस ड्राइवर था, तो मैं बोला ये सब होने वाले काम नहीं है बोले, तो उन्होंने क्या बोले, इन्हें तो पूरा भरस है, इन्हें कर नहीं सकता। तो वो तो मेरे जो साथ में तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने क्या करा अशोक सर को फ़ोन कर दिए, मेरे को नहीं मालूम, फ़ोन कर दिए वहाँ पे कॉलेज के पास बुला लिए, प्लान सुन लिए, भेज दिए उनको, आपको नहीं पता, मेरे को नहीं मालूम है। तो दूसरे दिन फ्राइडे का दिन था, मेरी बस पंचर हो गई, नहीं तो मैं जाकर सो जाता था। मैं बस पंचर हो गई तो मैं क्या करा, बस पंचर करने का से बैठा, तो उन्होंने बोले आओ बैठो गाड़ी पे। मैं बोला क्यों, कहाँ जाना है? उन्होंने बैठो बोले, तो बैठ गया, मेरे बस पंचर है। अरे होते रहती तुम आ जाओ बोले, तो बैठ गए। वहाँ से घुमड़दला बोल के नरसापुर के पास में एक विलेज था, वहाँ लेके गए। हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीनिवास सर जी क्या प्लान दिखा रहे थे, हमारे कैल्शियम में हड्डिया में जोड़ों में दर्द चल जाता, ये खाने से शुगर कम हो जाता बोले, तो आप पूरे कान में फूला लगाने वाले यहाँ भी स्टार्ट हो गए, तो यहाँ से दूर हो जाओ। तो मैं क्या कर, वहाँ से वेल्डिंग के सामने बैनर पे प्लान बोलते थे, बोर्ड पे नहीं बोलते थे, तो मैं वहाँ से बाहर हट गया, बाहर हट गया। उसके बाद पूरा हो गया समझ में आ गया, तो हाँ पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। उसके बाद मैं गाड़ी पे बैठ गया, उन्होंने मेरे दोस्त बोले आपका आधार कार्ड दे दो, 1000 रुपये दे दो बोले, तो मैं आधार कार्ड, दोस्त थे, मना भी नहीं कर सकता था, 1000 रुपये दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, फिर कॉलेज में आ गया। आने के बाद मैं दूसरे दिन मैं कुछ सामान ला के हाथ में थमा दिए, कुकिंग ऑयल था समथिंग, जो साबुन पेस्ट जो भी थे ला के दे दिया, मैं लेके क्या करा सीधा घर पर चले गया, घर पर लेके जाके दिया ये सामान ले लो घर में यूज़ करने का है। तो ये कितने का है पूछे पहले न पूछे, मैं बोला 1000 का है, तो मैं तुम्हारा बहुत होशियार समझती थी, तुम पागल निकल गए। तो मैं बोला घर में आते इसकी मैं जब बीवी के सामने तो गई खत्म,
अब मैं बोला चलो जान दो, 1000 की मैटर नहीं है, यूज कर लो। उनके बोला मैं ना साबुन देखा था ना कुछ देखा था, साबुन इस्तेमाल में रहा अच्छा है। तो इन्होंने बोले हमारे पास 3 महीने का राशन भी 1 महीने हमारे ला के रखता था एडवांस में। तो उन्होंने बोले ये साबुन जो है सो अपन डेली यूज करेंगे, वो 3 महीने में एक बार दफा लाते थे ना स्टॉक, वो जो सो मेहमान आने के टाइम पे यूज करेंगे अपन बोल के बोले। अब हमारे अपने जो है 3 महीने में काट दिए, ला के बोले पैसे दिए बोले सामान होना है। तो फिर मैंने ऑर्डर लिया क्या लेना है, तो उन्होंने बोले ये करते करते वो 100 PV क्रॉस होकर वो लगभग 4000 में पहुंच गया। तो मैं बोला ठीक है सामान तो लेना ही है घर में। अब इन्होंने बोले महंगा महंगा दिख रहा सामान, बोले तो हमारे अपने क्या बोले ये महंगाई से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। तो मैं बोला बहुत सही बात है, तो ला के दे दिए इस्तेमाल करते गए। जब मैं बिजनेस ज्वाइन करा अभी तक मैं कभी भी यही साबुन इस्तेमाल करा, यही सामान इस्तेमाल करा, लेकिन मैं बिजनेस से दूर था। तो उसके बाद मैंने सामान आप इस्तेमाल करते गए, बिजनेस नहीं किया था। ये कब तक चला? ये लास्ट गोग्राउंड से पहले। लास्ट गोग्राउंड तक आप सिर्फ यूजर थे? खाली यूजर था मैं। तो फिर गोग्राउंड में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? गोग्राउंड में मैं जो सो मेरे को मालूम नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं बना, सिल्वर डायरेक्टर बन गया। तो मैं सर्विस देता था, मैं सर्विस देता था, मैं शॉप नहीं थे, संगरेडी में नहीं थी, शंकरपली में नहीं थे। मैं गजबल से सामान लेके आता था, लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी का फासला था। सामान ला के मैं जो सो मेरी टीम में देता था, टीम बन रही थी, मेरे को ज्वाइन ही नहीं मालूम, प्लान नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, बस सर्विस मालूम मेरे को, सर्विस देता था। सर्विस के दरमियान क्या हुआ, मेरा पोस्टर फोटो पूछे हमारे अपलाइन आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए। तो मैं बोला ठीक है, मेरा फोटो दे दिया, अच्छा लगा, जूम मीटिंग अटेंड करो। मेरे को आप बस ही चला रहे थे? बस ही चला रहा था, लास्ट गोग्राउंड तक बस ही चला रहे थे, बस चला रहा था। तो उसके बाद जो सो मेरे को कब ऐसा हुआ इसके अंदर बिजनेस में आने का, तो मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था, दोस्त यानी कि 40+ थे, मेरे साथ में रहते थे, सारा दिन मेरे साथ में थे, खाए पिए सब करे, शाम में घर गए, सुबह में फिर कॉलेज को नहीं आया, डेथ हो गई उनकी। घर को जाते जाते रुक के गिर के डेथ हो गई उनकी, इंतकाल हो गया। तो मैं सोचा मैं 10-11 साल से मैं भी बस चला रहा, 2010 से लेके लास्ट में लॉकडाउन तक में ड्राइवर ही था। तो मैं सोचा अगर उन्होंने चले गए, उन्होंने बाप को 21 बेटे थे, उनको बच्चे नहीं थे, तो मेरे को मैं बच्चे तो है मेरे को तो, लेकिन मेरा जो काम का तजुर्बा था मेरी फैमिली को नहीं है। तो मैं भी सोचा अब यहाँ पर मैं अगर कल को कुछ भी हो जाऊँ तो मेरी फैमिली रोड पर आ सकती, भाई कुछ दिन देखेंगे, ससुराल वाले कुछ दिन देखेंगे, फिर इनको ही काम करना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे बच्चे अगर मेरे को पैदा हुए ना कल को, उन्होंने परेशान ना होना, इसके लिए कुछ ना कुछ करना। तो इन्होंने मेरे को सिकंदराबाद बुलाया, मेरे ग्रेट अपलाइन सिकंदराबाद, सिकंदराबाद और चरण सर की मीटिंग सुना, शीला कुलकर्णी मैडम से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, उन्हीं की वजह से मैं बिजनेस में खड़ा। तो उन्होंने बोले ये बहुत सिंपल बिजनेस है। तो मेरे को सिकंदराबाद भी जाना नहीं मालूम, हैदराबाद में था लेकिन मेहदीपट्टनम तक ही मालूम है, शंकरपल्ली में रहता हूँ। तो सिकंदराबाद तक हमारे साडू थे, हमारे जिनके वाइफ, हमारे वाइफ के भाई बहन के जीजा, उनको लेके आना। तो उन्होंने बोले सिकंदराबाद लेके गए तो बहुत सिंपल बिजनेस है। मैं उनको बोला एक लेडी बोल रहे सिंपल बिजनेस है, अपन तो मर्द है पर कर सकते। तो उन्होंने बोले नहीं कर सकते। अब मैं बोला सिंपल बिजनेस है, बोले फील्ड में गए तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर आके देखो तो पूरा चासा बूस्ट भर दे रहे। अब जाके 1 लाख बोले तो इतना खुशी हो रही, घर में जाके प्लान बोले तो कोई सुन रहे नहीं। अब मैं लास्ट लॉकडाउन से पहले ऐसा दोस्त का इंतकाल होने के बाद निकाल कर बिजनेस में आया। आने के बाद जो सो सब जने बोले पागल हो गए तुम, कहाँ साबुन तेल के चक्कर में चले गए, आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, अच्छा खासा खानदान में शादी भी हुई, तुम भी अच्छे खासा वो है। तो मैं बोला मैं सब दिखाने के वास्ते नहीं आया, मेरे को कल के दिन मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना। बोल तो इन्होंने भी बोले पागल हो गए क्या, मैं प्लान बोले नहीं आता था, मेरे अपलाइन को 50 किलोमीटर से बुला दूँ था हर बार, एक आदमी रहते बुला दूँ था, आप भी आ जाओ, अपलाइन बुलाने तो नहीं आते थे। मैं बोला इनकम लेने वाले देखो तो प्लान सुनते रहते, नहीं तो खाली नहीं आते थे वो। तो मैं सलीम सर को भी बुलाया था, तो हमारे अपलाइन बोले नहीं आपके हाथ में स्टेरिंग है, मैं बस ड्राइवर था, मैंने वही इस मिसाल से समझाया अगर ड्राइविंग स्टेरिंग आपके हाथ में है, अगर आपको रोकना चाहे तो रोक सकते, हम रोक सकते हो, अगर तुम किसी दूसरे के हाथ में स्टेरिंग है आप रोको तो रोकते नहीं रोकते, तो ये बिजनेस अगर आपके हाथ में स्टेरिंग तो तुम बहुत फास्ट जा सकते हो। बोले तो मैं सलीम सर के वीडियोस रात में 2-2 ढाई बजे रात तक मैं देखता था सीखने के लिए, देख लेते फिर पेपर पर लिखता था, तो इन्होंने फोन खींच के स्विच ऑफ कर देते थे या ले लेते थे रात में, फिर सुबह जल्दी उठे फिर ड्यूटी को जाना है। तो ऐसा करके मैं प्लान सीखा जाके वन बाई प्लान। एक साल के पहले की बात है जी, हाँ गोग्राउंड से पहले की बात है, गोग्राउंड से पहले की बात है। हाँ फिर गोग्राउंड में आके ऐसा क्या हुआ कि आप फिर आपने बस ड्राइविंग छोड़ दी? मैं गोग्राउंड में आने की वजह ये थी, लॉकडाउन हो गया ना सर, फर्स्ट लॉकडाउन में जो सो हाफ सैलरी मिली, लास्ट लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिला, करना है करो वरना चले जाओ बोल के बोले, वो कुछ गाली के तौर में बताए लेकिन मैं नहीं बता सकता। तो मैं बोला जिंदगी ड्राइवर की कहां तक है, बोले तो जस्ट गाड़ी लगी है, वहां से हटके कुछ भी नहीं है। मैं बोला चलो कुछ ना कुछ तो करना है बोल के अगर मीटिंग में लेके आओ। तो वेस्टीज में आपको कुछ होप दिखी? वेस्टीज में होप इसलिए दिखी क्योंकि मैं बोले जब नहीं सुना, लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर करे अशोक सर, उनकी इनकम 1 लाख रुपए हो गई।
उन्होंने गाड़ी मेरे बल्कि शोरूम के पास बोला गाड़ी भी देख लिया था मैं, तो वहाँ शोरूम के पास आने के बाद मुझे भरोसा हुआ कि यहाँ से कुछ हो सकता, तो मैं वहाँ पर क्या करा, लास्ट लॉकडाउन से पहले पूरा खत्म हो गया, तो विनो बोले तुम कितना भी बोले तो नहीं सुन रहे, तो नको बोले तो जा रहे बोले, तो मैं बोला ठीक है जाना है, मैं 2 साल में मेरी जिंदगी वेस्टेज को दे देता हूँ, चाहे आबाद हो जाओ या बर्बाद हो जाओ। 2 साल लॉकडाउन आया था अपने पर, अपने को हर किसी को आया था, तो क्या मर गए, अब खाने को नहीं मिला, 3 टाइम तो खाना है, 2 साल की तो बात है, देख लेंगे अगर सक्सेस होगा तो कामयाब हो जाते, अगर नहीं तो फिर जाकर मैं ड्राइविंग छोड़ा, मैं गाड़ी चलाना भूला नहीं बोल के बोला, अगर सक्सेस हो तो फिर जाके गाड़ी चला ला सकता मैं, या नहीं तो कहीं और जाएगा। लेकिन उस दिन करते करते मेरे को ऑपरेशन हो गया नाभि के ऊपर, जो मेरे को गॉल जैसा आया था, तो मैं हॉस्पिटल जाके मैं जो सर्जरी कराया, उसके बाद में हॉस्पिटल में आईसीयू में से ले जाके मेरे को आईसीयू में था, लेकिन मैं जो गाड़ी के ऊपर ड्राइवर को लगाया, तो ड्राइवर को फोन करा मैं, वो ड्राइवर बोला तुम्हारा ओनर हो सकता भी है, वो बोला कि कल से तुम आना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा भी ड्यूटी से निकाल देता, मैं बोला मेरे कल नहीं ड्यूटी, मेरे घर के पास से जाने का था, नहीं तो 50 किलोमीटर दूर जाके काम करना पड़ता, तो मैं बोला तू कुछ भी कर ले मैं आते सबर कर, मैं आते सबर कर, उन्हें निकल गया दूसरे को 5 आदमी को मैं बस के ऊपर अरेंज करा मेरे पैसों से, ऑपरेशन कर ले गया सिचे से, फिर घर को आया आनंद के बाद, घर को लेके आया, घर में लेके आने के बाद रात में घर को आया, सुबह में फिर बस पे चले गया मेरे प्रोस्टिचर्स लेके, पेट को बैग लगा के शर्ट पहना, शर्ट पहन के गागरा, सुबह में सीधा खड़ा होने नहीं आ रहा था, झुक के गागरा, मेरे को गाड़ी चलाने भी नहीं आता, क्यों बोलते गाड़ी पटकती है ऐसा उछाल ना, तो स्टिचेस खुल जाते हैं डॉक्टर्स, तो मैं क्या करा हल्लू झुकते हल्लू जाके मेरे दोस्त थे, गाँव से आते थे, उनको बोला मेरे पेट में स्टिचेस अभी भी खुले हुए हैं लगे हुए हैं, अब धीरे से बस गाड़ी चलाओ, मेरे बस के पास उतारो, मेरे को बस में चढ़ने भी नहीं आ रहा था, मैं बोला मेरे बस का गाड़ी का डोर ओपन करके जो मैं अंदर चल जाता हूँ, उसके बाद ऐसा मैं 4-5 दिन के बाद जाके फिर हॉस्पिटल में जाके स्टिचेस खुलाया, जब भी वो परमिशन नहीं दे रहा वो बस, मैं जाए तो काले को सही जाती थी, अगर दूसरा ड्राइवर गया तो खराब हो जाती थी, क्योंकि पुरानी बस थी, तो उसके दरमियान वो दूसरे ड्राइवर को अपॉइंट करते हो तो नको बोलते थे, तुम भी नको उन्हें भी नको, क्योंकि कंप्लेंट आ रही काले से, तो वो करते करते जो है सो मैं सोचा इतनी क्रिटिकल पोजीशन में मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर खुदा ने खासा अगर मेरे कुछ भी हो गया तो कैसा बोल के मैं क्या करा, ये तुम लास्ट लॉकडाउन के बाद उन्होंने फोन करे अदब से, पहले बोलते थे वो करो ये करो, लास्ट लॉकडाउन के बाद उनका बात करने का अंदाज बदल गया, अकरम जी कैसे हो, अच्छा कैसे हो, हाँ अच्छे है सर बिल्कुल अच्छे है, हाँ कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा, इस डेट पे जाना है आपको, बस लेना है कॉलेज को आना है, पहले जाके धोना उसके बाद कॉलेज को लेके आना, मैं बोला सर मैं छोड़ दिया जाओ, अच्छा जॉब छोड़ दिया मैं नहीं आ रहा हूँ बस में आपकी, तो क्यों बोले तो मैं वेस्टीज में था, मेरा जब इनका मेरा 8,000 का चेक आ गया वेस्टीज में, मेरी जॉब थी 14,000 की और 8,000 का चेक आ गया, अपने जॉब छोड़ा 8,000 का चेक आ गया, मैं इतने गालियां खा के जॉब करना जरूरी है या 8,000 तो आ रहे, अगर और थोड़ा चीज़ जान लो ये काम कर लिया तो यहाँ से मैं लाखों कमा सकता हूँ, मेरे को मैं भरोसा था, लेकिन घर में भी नहीं था, अब मेरे घर में मेरे भाई थे वो गलत नहीं साबित कर रहा हूँ मैं, वो लोग भी सही थे उनके प्लेस में, मेरे भाई इससे पहले गौरव की कंपनी में थे उन्होंने लॉस हो गया, उसके बाद जो सोने बोले कभी भी नको कारिया बोलते कारा बोलते, हमारे भाई बोले तू शोरूम चल, तू कोशिश कर लेता हूँ ले ले मैं दिला देता हूँ, बच्चे खाने के लायक हो रहे तू काम कर ले, बच्चों को तकलीफ नहीं होना फ्यूचर में बोल के, मैं बोला ऐसा नहीं होना मेरे को गाड़ी, मैं खुद के दम पे कमाने वाला बनना हूँ बोल के गया, तो मेरे घर में हमारे घर वालों को बिठा के हमारे भाई मेरे को बेइज्जत कर देते थे पूरा, ये ऐसा काम कर रहा वैसा काम, अकरम भाई ये जॉब कब छोड़ी लास्ट लॉकडाउन से पहले खत्म जॉब, लास्ट लॉकडाउन मतलब 2021 में जॉब फिनिश, जॉब छोड़ दी, फिर आपने वेस्टीज में काम किया, तो कितनी इनकम, अब वेस्टीज से फिर शुरुआत हुई और अब कितनी इनकम आ रही है वेस्टीज से, अभी जो सो मेरी हाईएस्ट इनकम जो सो डायमंड में मैं 1 लाख लिया, एज ए क्राउन में 1 लाख प्लस इनकम में हूँ, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं जी हो। मैं भाभी से एक बार पूछना चाहता हूँ, माइक दीजिए उनको, जब ये प्रोडक्ट पहली बार लेकर आए थे तो आपने बोला था कि भैया तुम पागल हो, तो ये पागल ही अच्छे हैं, अब ये पागल ही रहेंगे तो मुझे लगता है 2-3 लाख रुपए पहुंच जाएंगे, तो पहले जब बस ड्राइवर थे अब क्राउन डायरेक्टर है स्टेज पर आप बात कर रहे हो तो लाइफ में कितना चेंज आ गया, अभी क्या बोलते हैं आसपास वाले दोस्त फ्रेंड्स रिश्तेदार, कुछ नहीं बोलते हैं, पहले बोलते थे अब नहीं बोलते, अब अच्छा बोलते हैं कुछ, जोरदार तालियां। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूं पर थोड़ा सा समरी करना चाहेंगे चरण जी, जो भी अकरम भाई ने बोला प्लीज, समय नहीं है हमारे पास, समय पूरा हो गया, 1 मिनट है हमारे पास, प्लीज अगर 1 मिनट में कुछ बोलना चाहते हैं जी, जब स्टार्टिंग में जो सो लोग बोलते थे पागल हो गए, कभी दावत में गए तभी बोलते थे, दावत में जाना ही छोड़ दिया, मैं मोहतम में भी जाना छोड़ दिया,
वेस्टीज बोल के जो बुलाते थे, नाम छोड़ दिए मेरा बुलाना, वेस्टीज वाले बोलते थे। उसके बाद जो सो संडे आए तो मैं मिलता नहीं था, घर में नहीं, तो मैं मीटिंग आता था। मेरी वालदा की मुंह की बात बंद हो गई, इन्होंने फोन करे मेरे को, मेरे वालदा मेरे को और मेरे बच्चों को बहुत चाहते थे। तो बच्चे वालदा इन्होंने बोले अम्मी की मुंह की बात बंद हो गई, हमें को जाना है हमारे बड़े भाई के पास से। हमारे बड़े भाई मेरे पास से 50 किलोमीटर दूर पे थे। तो मैं बोला मेरे भरोसे पे एक ही बंदा आ रहा मीटिंग के पास, एक आदमी आ रहा मेरे भरोसे पे आ रहा, मैं उसके पास जाना जरूरी है, मैं उसको मीटिंग में बिठा दिया, वापस आ जाता हूँ। क्या अगर मैं मीटिंग के पास जाने के बाद बोला अगर मैं चलेगा तो वो चले जाता। तो मैं बोला मीटिंग खत्म हो गया था, शाम में ज्यादा 4 बज गए घर पे, गए हमारे वालदा पहचाना भी छोड़ दिए। जाने के बाद आंखों में से आंसू जा रहा मेरे को, मेरे बच्चों को पहचाने जो बहुत तकलीफ हो गई। जब जाके जो है सो मैं बोला जाके देखे मिले बात करे, लेकिन वो दरिया में जो सो संडे अभी दावत भी अगर कोई करे तो संडे प्लान कर ले रहे मेरे फैमिली में मेरे लिए। क्या बात है समरी వీళ్ళ యొక్క స్టోరీ చాలా టచింగ్ స్టోరీ ఉన్నది. ఒక డ్రైవర్ లాగా పనిచేస్తుండే ఒక చిన్న ఊరిలో హైదరాబాద్ దగ్గరలో ఉంటుండే. సో 14,000 శాలరీతో ఆ వ్యక్తి స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ బిజినెస్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే యూట్యూబ్ ద్వారా వాళ్ళ డ్రైవర్ ఫ్రెండ్ అశోక్ సార్ వీడియో చూసినారు, చూసిన తర్వాత పిలిచినారు జాయిన్ అయ్యిండు. సో ఇతను కూడా జబర్దస్తి జాయిన్ చేపించినారు. ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంటికి పోతే మేడం అన్నారు ప్రొడక్ట్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నదని, అయినా కూడా వాడుతున్నారు బాగుందని. సో ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ ఇంకొక డ్రైవర్ డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే అతను రాలే, అంటే చనిపోవడం జరిగింది ఆ డ్రైవ్ ద్వారా. సో ఇట్లాంటి సందర్భం వస్తే నా పిల్లలకి ఎవరు చూసుకుంటారని ఒక మాట ఇతని లోపల వచ్చింది. సో అప్పటి నుంచి వెస్ట్ బిజినెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినారు. సో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి, యాజ్ ఏ అతనికి కొంచెం ఇక్కడ ఆపరేషన్ అయితే కూడా ఇక్కడ స్టిచ్చెస్ ఉంటే కూడా డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో అంత కష్టాలు ఉంటుండే అక్కడ. సో ఈ బిజినెస్లో ఎప్పుడైతే 8,000 ఇన్కమ్ రావడం స్టార్ట్ అయింది ఆ జాబ్ మానేసినారు. సో వెస్టీజే చేస్తున్నారు. ఒక సందర్భం గురించి మాట్లాడినారు. సో ఒక్క వ్యక్తి గురించి అతను 60 కిలోమీటర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ మీటింగ్కి తీసుకొచ్చారు. అదే టైంలో వాళ్ళ అమ్మకు సీరియస్ ఉండే ప్రాబ్లం ఉండే, మాట్లాడద్దాం అనేది ఇంకా స్పృహ పోయింది. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా మీటింగ్కి వచ్చినారు. అండ్ అందరూ వెస్టీజ్ అయినా వచ్చిండు, పేరు మర్చిపోయినారు కానీ వెస్టీజ్ అయినా చెప్తుండే. కానీ ఇవాళ 1 లక్ష ఇన్కమ్ ఉన్నది, ఇతను లైఫ్ టోటల్లీ మారిపోయింది, పిల్లలతో హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. అండ్ ఇవాళ దావత్లో వెళ్తే అందరూ ఇన్సర్ చేస్తుండే, ఇవాళ దావత్ కూడా వీళ్ళ ప్రకారంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఇట్లా వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సండే ఎస్, సో సండే ఇప్పుడు దావత్ చేస్తే లేరు వీళ్ళ గురించి, వీళ్ళకు సండే మీటింగ్ ఉండదని దావా చేస్తే లేరు, వీళ్ళ ప్రకారంగా దావా పెడుతున్నారు. గ్రేట్, మే ఆప్ సబ్ సే పూచనా చాహతా హూం, ఆప్కో ఈ బహానా